www.meenewsmenu.com meenewsmenu.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिरंगा पुलाव। इसे हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या जब भी हमारी देशभक्ति जागे तब बना सकते हैं। तिरंगा पुलाव बनाने के लिए हम लेंगे जीरा राइस एक बाउल। जीरा राइस बनाने की रेसिपी आप meenewsmenu.com के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। धनिया पुदीना चटनी 2 टेबल स्पून। इस रेसिपी को आप meenewsmenu.com के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। 3 बड़े टमाटर की टमाटर प्यूरी, 6 से 7 बर्स लहसुन, 1 इंच अदरक जिसे हमने पहले से चॉप कर लिए, रिफाइंड 1 टेबल स्पून, देगी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, 1 छोटी शिमला मिर्च और 2 प्याज जिसे हमने पहले से ही लंबाई में काट लिए। तिरंगा पुलाव हम 3 लेयर में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सैफरन के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम गैस जला के पैन रखेंगे और इसमें रिफाइंड गर्म कर लेंगे। रिफाइंड गर्म होने पे हम लहसुन और अदरक डाल लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। लहसुन अदरक 2 मिनट भूनने के बाद इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को भी 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर आपका मसाला चिपक रहा है और आपका पैन नॉनस्टिक नहीं है तो इसमें 2 चम्मच पानी डाल के ढक देंगे। हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे और तेज आंच पे तब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर का पानी सूख नहीं जाता और साइड से घी नहीं छोड़ जाता। मसाला लगभग भून गया, इसमें अब हम नमक डाल देंगे और देगी मिर्च डाल देंगे। देगी मिर्च से मसाले का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। टमाटर का पानी सूख चुका है और हमारा मसाला बनके तैयार है। चावलों को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक डोंगे में हम ग्रीन चटनी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दूसरे डोंगे में हम मसाला डालेंगे जो अभी हमने बनाया है, जिसे चावल का कलर सैफरन से मिलता जुलता हो जाएगा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पुलाव को किसी बाउल में सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम सैफरन कलर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इसके बाद हम व्हाइट लेयर बिछाएंगे। इसको भी अच्छी तरह हम प्रेस करके इक्वल कर लेंगे। इसके लिए हम जीरा चावल यूज कर रहे हैं, जिसकी रेसिपी आप meenewsmenu.com के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब हम इसमें ग्रीन लेयर प्रेस करते हुए बिछाएंगे। अब हम इसे किसी प्लेट से ढक के और बहुत इजी तरीके से इसको उल्टा कर देंगे और इसे आराम आराम से निकाल लेंगे। हमारा तिरंगा पुलाव बनके तैयार है। तिरंगा पुलाव एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। Like meenewsmenu Facebook page and subscribe on meenewsmenu YouTube channel for updates.